हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बैंक निफ्टी की, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 281 पॉइंट्स आज बैंक निफ्टी डाउन था। परसेंटेज में अगर देखें सो 0.81%। बट अगर ये देखा जाए कि बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है, विच इज़ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एच डी एफ सी बैंक आज 2% के आसपास डाउन था, टू बी प्रिसाइज 1.92%। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्यों एच डी एफ सी बैंक आज थोड़ा नीचे गिरा है और इवन सारा फाइनेंशियल सेक्टर ही नीचे था आज? बैंक निफ्टी का गिरना तय रहता है अगर एच डी एफ सी बैंक डाउन चला जाए। रीज़न, क्योंकि क्लोज टू 24-26% का वेटेज है एच डी एफ सी बैंक का बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी एक इंडाइसिस है, एक इंडेक्स है, जिसके अंदर 12 स्टॉक्स हैं, बैंक मतलब 12 बैंक के स्टॉक्स हैं जो मिला के बैंक निफ्टी को बनाता है। उसके अंदर एच डी एफ सी की वेटेज 24-26% है। 26% वॉज द लास्ट आई नो एज पर 31st of December 2020। नाउ ऐसा क्या हुआ है कि एच डी एफ सी का स्टॉक आज नीचे चला गया? स्पेकुलेशंस, और अगर मैं कुछ इनसाइट्स के बारे में बात करूं, सो एच डी एफ सी के जो हमारे सीईओ हैं, हु इज शशिधर जगदीशन जी, उन्होंने एक कंसर्न रेज किया है टुवर्ड्स द रिटेल लेंडिंग दैट द बैंक्स डू। इसका मतलब हिंदी में समझते हैं कि बैंक दो जगह पे लोन्स देके अपना मेजर पैसा कमाता है। या तो वो देते हैं कॉरपोरेट लोन्स, या तो वो देते हैं रिटेल लोन्स आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल कस्टमर्स को। सो बैंक्स का अपना एक फंडा होता है, जैसे येस बैंक। येस बैंक क्यों डूबा? बिकॉज येस बैंक शुरू में कॉरपोरेट लोन्स ज़्यादा देता था, और कॉरपोरेट लोन्स देने के चक्कर में उन्होंने कुछ बैड लोन्स दे दिए, जिसके चलते वो लोन्स वापस नहीं आए, और येस बैंक की आज ये हालत है। सो एच डी एफ सी इज़ वन बैंक जिनका प्राइमरी फोकस होता है रिटेल लेंडिंग पे। रिटेल कस्टमर्स को वो ज़्यादा लोन देना प्रेफर करते हैं, और उनसे जो रिटर्न आता है इंटरेस्ट के साथ जब आप लोन को रीपेमेंट करते हैं, वही उनका इनकम है। सो शशिधर जगदीशन जी ने कंसर्न रेज किया है कि कोविड के फर्स्ट वेव के चलते टाइम जिन्होंने कुछ लोन्स लिए थे, या उससे पहले कुछ लोन्स लिए गए थे रिटेल सेक्टर में, सो फर्स्ट कोविड वेव के टाइम पे हमने देखा था कि आरबीआई ने मोरेटोरियम की बात करी थी, लोन्स को थोड़ा सा आगे कर देना, या लोन्स को थोड़ी दिनों के लिए रोक देने की बात करी थी। क्यों? क्योंकि जो रिटर्निंग पावर है एक कस्टमर की, मतलब मेरे और आपके जैसे लोगों की, ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स वॉज क्वाइट लेस बिकॉज पीपल वर लूजिंग जॉब्स। सो शशिधर जी ने एक कंसर्न रेज किया है दैट ड्यू टू कोविड के सेकेंड वेव के लिए ये कंसर्न्स शायद वापस से बैंक्स को देख सकते हैं, बैंक ये रिस्क आ सकता है इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। मतलब कुछ कस्टमर्स जिनने कोविड वन वेव के टाइम पे कुछ लोन्स लिए थे, शायद वो आगे चल के कुछ क्वार्टर्स में, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री में, या क्वार्टर फोर तक ये लोन्स रीपेमेंट ना कर पाए। सो वो बैंक्स के लिए एक एनपीए बन जाता है, विच इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इस न्यूज़ के चलते कि रिटेल सेक्टर से ये कंसर्न आ रहा है कि रिटेल कस्टमर शायद लोन को रीपेमेंट ना कर पाए, तो अब एच डी एफ सी के चलते या एच डी एफ सी के साथ और कौन से बैंक हैं जिन पे ये असर ज़्यादा देखने को मिलेगा? सो स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस चलता ही है रिटेल लेंडिंग पे, क्योंकि कॉरपोरेट लेंडिंग के लिए उनके पास उतना पैसा होता ही नहीं है। कॉरपोरेट को वो उतने हज़ार करोड़ों का लोन दे ही नहीं सकते, तभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो वो यूजुअली जो लोन्स देते हैं या जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पे या एफडीज पे, वो ज़्यादा होता है। उनका फोकस ही होता है रिटेल सेक्टर, मतलब हमारे और आपके जैसे कस्टमर। उसमें पहला बैंक आता है आईडीएफसी फर्स्ट ले लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लीजिए। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो मेजरली रिटेल सेक्टर को टारगेट करते हैं। और ऐसा जब कोई इंडस्ट्री का कोई वेटरन आदमी, शशिधर जगदीशन जी, सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, यू कैन से द मार्केट लीडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर वो ऐसी कोई बात या ऐसा कोई कंसर्न रखता है मार्केट के सामने, सो येस, मार्केट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन अ नेगेटिव वे। दिस इज द रीजन द बैंक निफ्टी, द एचडीएफसी स्टॉक पर्टिकुलरली आज थोड़ा सा ज़्यादा लो चला गया है। अब ये कब तक रहेगा, ये एक न्यूज़ ड्रिवन चीज़ है, तो आप इस पे ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। बट येस, दिस इज समथिंग दैट हैज़ एक कंसर्न के हिसाब से आपके और मेरे सामने आया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये कुछ इनसाइट्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर इस चैनल के दूसरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नहीं भी अच्छी लगती तो कमेंट करके बताओ ना कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इस चैनल में। आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट। टिल देन, स्टे इन्वेस्टेड।